हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। YouTube पर एक एडवर्टाइजमेंट बड़ा ही फेमस हो रहा है कि टेक्निकल लेंसेज आप यूज़ करते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा है, MACD आप यूज़ करते हैं फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो इनके तरीके से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या सच में हमें टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करने से फ़ायदा नहीं हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हो रहा है एक तरीके से। तो देखा दोस्तों, किस तरह इन्होंने मतलब टेक्निकल एनालिसिस को जीरो बता दिया है। मतलब हम पागल हैं जो 70,000 रुपए पे करते हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर को। टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, 70,000 रुपए पे करते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और उसके बाद हम अपना डिसीजन ले पाते हैं किसी एक स्टॉक के अंदर। उन्होंने तो ये सारी वैल्यू जीरो ही कर दी। चलिए देखिए दोस्तों, वो जैसा कर रहे हैं मुझे उनका नहीं पता, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि निफ्टी के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर किस तरह टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है। चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट के ऊपर कि किस तरह मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आया था, फिर उसके बाद में अप ट्रेंड आया है, और फिर उसके बाद में किस तरह अब दोबारा से निफ्टी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। और मैंने ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके ही फ़ायदा किया है। तो देखा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है, जो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मुझे क्लियरली शो हो रहा है। नाउ मैं क्या करूँगा, रिट्रेसमेंट का यूज़ करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत अच्छा टूल होता है, आर प्रेस करना है स्पाइडर के अंदर, और ये आपके पास में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लेवल्स आते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम। हम क्या करेंगे कि जैसे ही आर प्रेस करके ओके करेंगे तो एक पेंसिल बन के आती है, उस पेंसिल को कैंडल के ऊपर ले जाना है और वहाँ पर जाके एच प्रेस करना, तो इसका हाई पॉइंट पकड़ता है और फिर उस पेंसिल को ड्रैग करते हुए हमें नीचे लाना है, और लो पॉइंट पर मतलब जो लो वाली कैंडल है उस पॉइंट पर जाके एल प्रेस करना है, तो वो उसका लो पॉइंट पकड़ेगा, और फिर यहाँ से हमें कलर सेलेक्ट करना है, और इस तरह से हमारी ये रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हैं वो प्लॉट हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, किस तरह हमें दो पॉइंट मिले थे, जब डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर मुझे एक हार्मोनिक पैटर्न मिला था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लेवल प्लॉट किए थे। उसके हिसाब से देखिए आप किस तरह से रिस्पेक्टिवली रिट्रेसमेंट के लेवल टच करते हुए निफ्टी ने अपना जो एक नया हाई अभी क्रिएट किया था, और अब उसने अपनी जो डायरेक्शन है वो सुपर ट्रेंड के बिहाफ पर यहाँ पर चेंज कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक 78.60 का लेवल है, जहाँ पर निफ्टी का जो प्राइस है वो 17,487 है। अगर यदि हम लास्ट की दो से तीन कैंडल्स का लो भी देखें तो 17,487 ही था। तो इस तरह से हम टेक्निकल एनालिसिस की रिट्रेसमेंट को यूज़ करके हम अपने लेवल्स निकाल सकते हैं।